अमीर ससुराल में तीन गरीब बहू बनी नौकर। ज्वाला एक अमीर औरत थी। उसके घर में उसके चार बेटे, दो बेटियां और उसका पति था। ज्वाला का पति विदेश में काम किया करता था। अब उसके बेटे भी जवान हो चुके थे तो ज्वाला ने एक साथ अपने चारों बेटों की शादी कर दी और वो सभी विदेश में ही काम करने चले गए। मम्मी मम्मी, क्या हुआ? मम्मा, अब तक मेरा नाश्ता क्यों नहीं भिजवाया? क्या शांता बाई अभी तक तुझे नाश्ता नहीं देकर आई? लेकिन रोज तो वो बिना कहे दे आती है। ज्वाला ने ऐसा बोलकर अपनी नौकरानी को जोर जोर से आवाज देना शुरू कर दिया कि तभी वहां पर पूजा आ गई। माँ, आज शांताबाई काम पर नहीं आई। उनकी बेटी ने मुझे फोन पर बताया था कि आज उनकी तबीयत सही नहीं है। ओहो, इन नौकरों की तो फितरत ही छोटी छोटी सी बातों पर छुट्टियां करना होती है। जो भी हो बहू, देख मेरी शहजादी ने अब तक कुछ भी नहीं खाया है, तो तू इसके लिए नाश्ता बना ला। जी माँ, अभी लाई। पूजा नाश्ता बनाने जाने लगी। रानी उसे बड़ी गौर से देख रही थी। क्या देख रही है? माँ, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपने नौकरों को काम पर से हटा ही दें। लेकिन क्यों, अब घर में चार चार ढाबियाँ आ गई है तो हमें नौकरों की क्या जरूरत? और वैसे भी तीन तो गरीब घरों से ही है, और तो और इनके तो रंग भी काम वालों की तरह सांवले ही है, तो घर में इनका होना या किसी नौकर का होना बिल्कुल एक बराबर है। तभी बेटी की बात सुनकर ज्वाला सोचने लगी कि तभी पीछे से उसकी छोटी बेटी चंचल आ गई। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है रानी। चाहे ये तीनों कैसे भी परिवार से आई हो, लेकिन अब हमारे ही परिवार का हिस्सा है। तुम हमारी भाभियों को नौकरानी बनाने की सोच भी कैसे सकती हो? चुप कर चंचल, रानी सही कह रही है। ना तो ये तीनों दहेज ही कुछ खास लेकर आई और ना ही रंग रूप, तो हम क्यों इन्हें इतना ज्यादा सम्मान दे? मेरी बस एक बहू खास है और वो है रिया। सिर्फ वही मेरे बेटे की जिंदगी में धन संपत्ति, रंग रूप और दहेज लेकर आई है, तो बहू वाला सम्मान पाने का हक भी बस उसे ही है। ये तीनों तो बस घर की नौकरानियां बनने के लायक है। बेचारी चंचल अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल पाई। अगले दिन कोई भी नौकर काम पर नहीं आया। अरे माँ जी, ये रामू काका और बाकी नौकर आज काम पर क्यों नहीं आए हैं? अब वो कभी नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा क्यों? अरे अब इसमें लेकिन वेकिन क्या लाया? तुम मेरे घर की बहुए हो, और अब भी अगर मुझे घर में नौकर रखने पड़े तो तुम्हारा क्या फायदा होगा? जिस तरह सारी बहुए अपने घर के काम खुद करती है, अब से वैसे ही तुम भी किया करोगी। जी जी माँ, अब समझ गई, तो जल्दी से अपनी बाकी देवरानी जेठानी को भी बुला ले और जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ। पूनम ने ऐसा ही किया। उसने पूजा और गोपी को भी अपने साथ लिया और तीनों घर के कामों में लग गई। पूनम, तुम जाकर कपड़े धो लो और मैं खाना बना लूंगी, और पूजा तुम एक काम करो, तुम सफाई कर लेना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पौधों को भी पानी देना है, वो काम कौन करेगा? वो रिया जेठानी जी कर लेंगी। सही कहा, लेकिन वो है कहाँ? शायद अपने कमरे में होंगी, हमें उन्हें बुला लेना चाहिए। पूजा ने एक से दो बार रिया को आवाज दी कि तभी वहां पर ज्वाला आ गई। अरे ये क्या बदतमीजी है पूजा, इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? वो माँ, मैं जिठानी जी को बुला रही थी, वो भी हमारे कामों में थोड़ी मदद करा देंगी। बिल्कुल नहीं, तुम लोग रिया को परेशान मत करो, ये घर के काम तुम लोग ही संभाल लो। पर माँ। अरे पर क्या, हम बहू का फर्ज होता है उसके ससुराल के कामों को अपने ऊपर लेना और अपने बड़ों से काम ना करवाना, समझी बहू? जी। जा तो अब जल्दी से अपने कामों में लग जा। बेचारी तीनों गरीब बहुएं घर के नौकरों की तरह काम कर रही थी, जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े धोना, पौधों को पानी देना, खाना बनाना और भी वगैरह वगैरह। और ज्वाला की अमीर बहू रिया शहजादियों की तरह आराम फरमा रही थी। इसी तरह से दोपहर के 12 बज गए और तीनों बहुओं ने अपने अपने काम को निपटा कर चैन की सांस ली। आखिरकार आज इतने दिनों बाद इतना सारा काम करके तो मैं थक ही गई। सही कहा, लेकिन ये काम हमें रोज ही करना पड़ेगा। तीनों बहुएं बैठी हुई बात कर रही थी कि तभी रिया तैयार होकर बन ठन कर नीचे आई और खाने के टेबल पर आकर चिल्लाने लगी, शांताबाई शांताबाई। रिया की आवाज सुनकर पूनम वहां आ गई। शांताबाई नहीं है, लेकिन क्यों? वो जेठानी जी माने ना सभी नौकरों को काम से निकाल दिया। What? ये क्या बात हुई? अब मुझे ब्रेकफास्ट कौन देगा? आप खुद ही बनाइए।
पूनम ने ऐसा बोला ही था कि तभी वहां पर ज्वाला आ गई। ये तू कैसी बातें कर रही है बहू, रिया भला खुद नाश्ता क्यों लेगी? अरे तुम लोग हो तो सही घर में, जा जल्दी से जाकर अपनी जेठानी के लिए कुछ बढ़िया सा बना कर लिया, पर माँ मैं बहुत थक गई हूँ, अरे जा भी। ज्वाला के कहने पर जबरदस्ती पूनम को रिया के लिए नाश्ता बनाना पड़ा। रोज ही ये सिलसिला चल रहा था। ज्वाला रिया से एक भी काम नहीं करवाती थी और अपनी तीनों छोटी बहुओं को काम में लगाए रखती थी, लेकिन कभी भी वो तीनों इस बात का बुरा नहीं मानती थी, बल्कि अनजाने में उसे अपना धर्म समझकर खुशी खुशी घर के सभी काम करती थी। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे और आज ज्वाला के घर में एक फंक्शन था। माँ आज तो हम सभी के पति घर आ रहे हैं, तो क्या आज की पार्टी के लिए आपने कोई पार्टी प्लानर टीम बुलवाई है? कैसी टीम? मैंने कोई टीम वीम नहीं बुलवाई, जल्दी से तीनों काम पर लगो। पूजा, पूनम और गोपी तीनों मिलकर अपने घर को पार्टी के लिए सजाने लगे और ऐसा करते वक्त उन्हें चोट भी लग गई, लेकिन इन सब का ज्वाला पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। इसी तरह से शाम हो गई और उन चारों के पति और ज्वाला के कुछ खास मेहमान आ गए। अरे गोपी, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं और तू है इधर उधर घूम रही है, जल्दी कर सभी को ड्रिंक्स दे। जी। बेचारी गोपी, पूजा और पूनम पार्टी की सारी तैयारियां करके भी शांति से नहीं बैठी थी। अब उन्हें वहां वेटर्स की तरह भी काम करना पड़ रहा था, जिसे देखकर उनके पतियों को जरा भी अच्छा नहीं लगा और वो तीनों बोल पड़े, माँ ये सब क्या है, आप सारे काम हमारी बीवियों से क्यों करवा रही हो, घर के सभी नौकर कहाँ हैं? बेटा इस तरह चिल्ला मत, सारे मेहमान क्या सोचेंगे और काम करवाने में बुराई क्या है, हर घर की बहुएं काम करती ही है। अच्छा, लेकिन माँ ऐसा नहीं करती जिस तरह से आप गोपी और दोनों भाभियों से करवा रही हो, अगर बहुएं काम करती है तो रिया भाभी से आप काम क्यों नहीं करवा रही हैं? अपने बेटे की बात सुनकर ज्वाला चुप हो गई। माँ बोलो, अब आप चुप क्यों हो गई हो? देवर जी ये क्या बकवास किए जा रहे हो आप, मैं भी इस घर में काम करती हूँ। आप चुप रहिए भाभी जी, वैसे भी आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। माँ इस तरह से अपनी ही बहुओं में भेदभाव अच्छा नहीं है। ज्वाला के बेटे उस पर गुस्सा कर ही रहे थे कि तभी गोपी बोल पड़ी, आप माँ को क्यों डांट रहे हो, हमें अपना धर्म निभाने में कोई परेशानी नहीं है, बस हम माँ से यही चाहते हैं कि वो हमें भी बहू वाली जगह दे और कुछ नहीं। अपनी बहू और बेटों की बात सुनकर ज्वाला को उसकी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने बेटों और बहुओं से माफी मांगी। माँ इस तरह माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करे, हमें आपकी माफी नहीं मोहब्बत चाहिए। उस दिन के बाद से ज्वाला ने कभी भी अपनी बहुओं में भेदभाव नहीं किया। उसने वापस से सभी नौकरों को काम पर लगा लिया और इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। ओह वाओ, यू मीन हम नेक्स्ट संडे एक साथ मिल रहे हैं, दैट्स ग्रेट एंड आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू माय जान, यू नो आई रियली मिस यू विराट। वैशाली कॉल पर हंस हंस कर बातें कर रही थी तभी हाथ में झाड़ू पोछा लेकर काली भाभी नेहा आ जाती है। भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे रूम में आने की, तमीज नहीं है आपको कि किसी से पूछकर उसके कमरे में आना चाहिए? वो दीदी मैंने आपको आवाज लगाई थी, नॉक भी किया था, आपने सुना नहीं इसलिए मैं आ गई, सफाई करनी थी मुझे, आप थोड़ी देर बाहर दूसरे कमरे में या हॉल में चले जाइए। अब मेरे ये दिन आ गए हैं कि मैं आपके ऑर्डर पर इधर उधर जाकर बैठूं, मेरी मर्जी मैं कहीं भी जाऊं, काली कलूटी कहीं की, करो साफ और अच्छे से करना। ये बोलने के बाद वैशाली कॉल पर बात करते हुए हॉल में चली जाती है। वहीं नेहा आंखों में आंसू लिए वैशाली के कमरे को साफ करती है। दरअसल वैशाली का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा और घमंडी था, वो किसी से ठीक से बात नहीं करती थी, अपने मन की मालिक थी और अपनी भाभी नेहा से तो उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। शाम को उसका आम खाने का मन करता है तो वो अपने भैया से कहती है, भैया मैं जानती हूँ आप अभी दफ्तर से आए हो, पर मैं क्या करूँ मेरा आम खाने का मन कर रहा है, पास में आम वाला है लेकर आ जाओ। ठीक है ले आता हूँ। अच्छा नेहा तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। अजी मुझे कुछ नहीं चाहिए था, पर आप मेरे लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ले आना, मन कर रहा था मेरा। अच्छा अब मैं आम खाऊंगी तो ये मेरे को आइसक्रीम खाकर चिढ़ाएंगी, मैं भी मंगवाऊंगी। भैया आप मुझे कसाटा आइसक्रीम लेकर आना, बहुत मस्त होती है। अच्छा दीदी अब आप ये भी खाएंगी और आइसक्रीम भी खाएंगी, दोनों में से एक चीज मंगवा लीजिए। क्यों मैं तो दोनों चीज खाऊंगी, आपको क्यों जलन हो रही है, मेरा मुंह मेरा पेट मेरे भैया। अच्छा खाओ फिर जो दिल करे, जब मुंह में गर्मी से पिंपल निकलेंगे तो मुझसे मत पूछना इसका घरेलू नुस्खा। सुनना भैया भाभी क्या बोल रही है, खुद तो काली है, मुझे जो इनसे घरेलू नुस्खा मांगने की जरूरत पड़ी कुछ भी, मैं तो दोनों चीज खाऊंगी, भैया आप ले आओ। ओहो इतना क्यों लड़ रही हो तुम दोनों,
माँ जी मैं नहीं, मैं तो दीदी से इसलिए कह रही थी क्योंकि आम की तासीर गर्म होती है और जो आइसक्रीम खाएंगे वो ठंडी होगी तो डाइजेशन खराब होगा। हाँ तो क्या हो गया, मेरा मुंह मेरा पेट। और माँ आप उनका पक्ष लेकर मुझे समझाने की कोशिश मत करना, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। भैया अब दोनों चीज लेकर आओ। हे भगवान, वैशाली तो इतना लड़ती क्यों है, तेरी भाभी है वो, तेरे अच्छे के लिए ही कहती है। खैर मैं सामान लेकर आता हूँ वरना सारी दुकान बंद हो जाएंगी। ऐसा बोलकर कबीर चला जाता है। फिर वैशाली भी मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। देख बहू, मैं जानती हूँ मेरी बेटी की जुबान कैंची की तरह चलती है और तू उसके भले के बारे में ही सोचती है, लेकिन अगर ये हद से ज्यादा जहर उगले तो तू इसे चुप करा दिया कर। माँ जी मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसी सास मिली है जो मेरे काले होने के बावजूद भी मुझे अपना रही है। भूल गई वो दिन जब शुरू शुरू में मैंने तेरी काली सूरत देखकर तुझे कितना सुनाया था। अरे ओ काली चुड़ैल, कलूटी कलमोही, ऐसे खाना बनता है, इसमें नमक मिर्च इतना क्यों कर दिया। माँ जी माफ कर दीजिए, मुझे लगा आप तीखा खाती हैं, थोड़ी गुस्से टाइप की हैं इसलिए खाना भी जायकेदार बनाया। अच्छा लेकिन मैं मामूली स्वाद का खाना खाती हूँ, आगे से इतना सब खाने में डाला ना तो तेरा ही खाना पका दूंगी काली कोयल कहीं की। माँ जी वो दिन भी क्या थे, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने आपका कहा हुआ नॉर्मल खाना बनाया, जब से आपने मुझे धीरे धीरे पसंद कर लिया। हाँ बहू जा कबीर आ गया, आइसक्रीम खा ले। जी माँ जी। ये सुनकर नेहा आइसक्रीम खाने आती है, वहीं कबीर अपनी बहन को भी आइसक्रीम और आम दे देता है। वैशाली अपनी पिघलती हुई आइसक्रीम देखकर कहती है, हो भैया मुझे पिघली हुई आइसक्रीम नहीं खानी, मुझे भाभी वाली आइसक्रीम से चेंज करनी है, उनकी आइसक्रीम ठीक है। अरे पर तुमने तो कसाटा आइसक्रीम मंगवाई थी, तुम्हारी भाभी ये थोड़ी ना खाएंगी। अरे पर मैं अपनी क्यों दूं, मैंने तो तुमसे स्ट्रॉबेरी मंगवाई थी, अगर वो पिघल गई तो मेरी क्या गलती है, मैं क्यों दूं अपनी आइसक्रीम। भाई अगर आपने आइसक्रीम नहीं बदलवाई तो देख लेना मैं बात नहीं करूंगी। अरे नेहा तुम इसे अपनी दे दो, मैं तुम्हें फिर कभी और खिला दूंगा। ये अच्छा है, आपने अपनी बहन को सर पर चढ़ा रखा है, उसकी सारी घमंडी वाली बातें मानते हैं, थोड़ा सा इसे भी तो सोचना चाहिए ना। ये लो दीदी खा लो मेरी आइसक्रीम। तभी अपनी भाभी से आइसक्रीम लेकर वैशाली मजे से चढ़ाकर खाती है। इस तरह घमंडी नंद हमेशा अपने गोरे रंग का गुमान कर अपनी काली भाभी को नीचा दिखाती है और उससे सारे काम करवाती है। बीते वक्त के साथ नेहा 6 महीने की गर्भवती हो जाती है। ऐसे समय में घर के सभी लोग खुश थे लेकिन वैशाली को चैन नहीं आता था, वह इन समय में भी नेहा से काम करवाया करती थी। नेहा टीवी के सामने बैठकर फल खा रही थी तभी वैशाली आकर कहती है, अरे वाह भाभी बहुत सही है, यहाँ मुझे भूख लग रही है, आपने कोई खाना नहीं बनाया और खुद टीवी देखकर फल फ्रूट खा रही हो, कैसे मुझे भूखा मार रही हो। अरे मैंने तुम्हें क्या भूखा मार दिया, किचन में सेवई रखी है खा लो। वो बकवास खाना मैं क्यों खाऊं, आप अभी मेरे लिए पास्ता बना दो, जल्दी करो मुझे बहुत भूख लग रही है, अगर आपने नहीं बनाया तो मैं भैया को 1-4 लगाकर कह दूंगी, जानती है ना। नहीं दीदी इसकी क्या जरूरत है, वैसे आपके भैया भी जानते हैं कि आप कितनी 1-4 लगाने वालों में से हैं और घमंडी भी हैं। मैं बना देती हूँ पास्ता, अगर माँ जी अभी यहाँ होती तो आपको सुनाती, फिर आप खुद पास्ता बनाती। बस कह लिया आपने, अब जाकर पास्ता बनाइए, मम्मी से तो मैं वैसे भी नहीं डरती हूँ। ये सुनकर नेहा रसोई में जाकर गर्भवती के समय में भी बड़ी मुश्किल से पास्ता बनाती है। दरअसल उसे घर के काम करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन घमंडी वैशाली अपनी भाभी को तंग किए बिना मानती कहाँ है। कुछ देर बाद पास्ता बन जाने के बाद वैशाली बड़े चाव के साथ पास्ता खाती है। वक्त गुजरता है, नेहा का 9वां महीना चल रहा था। अपनी भाभी को परेशान करने के लिए वैशाली सीढ़ियों से कुछ सोचते सोचते उतर रही थी। भाभी आजकल बहुत जुबान चलाने लग गई हैं। अभी अपने कमरे को गंदा कर देती हूँ, जिसके बाद वो सफाई करेंगी और अलमारी के कपड़े भी निकाल कर बाहर कर देती हूँ। इतना कहते ही वैशाली गिर पड़ती है। नेहा जैसे ही अपनी नंद के पास आती है तो एक टेबल उसके पेट में लग जाती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। आह माँ जी, कबीर आह मुझे बहुत दर्द हो रहा है और यहाँ पर कोई भी नहीं है, नंद जी की चोट लग गई, सर से खून बह रहा है, मुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा, मेरे बच्चे को भी मैं कुछ नहीं होने दे सकती हूँ। नंद जी आप फिक्र मत करिए, भाभी आराम से आइए, मेरी वजह से लग गई आपको। तभी बड़ी मुश्किल से नेहा खुद उठकर वैशाली को उठाकर धीरे धीरे बाहर ले जाती है और कार खोलकर कार में उसे बिठा देती है। फिर ड्राइव करके खुद हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां हॉस्पिटल में आते ही दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी डॉक्टर दोनों को अलग वार्ड में ले जाकर इलाज करता है, जहां जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर दोनों के घर के लोगों को बुलाते हैं। डॉक्टर वैशाली की मरहम पट्टी कर देता है। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज मेरी भाभी और मेरे भाभी के होने वाले बच्चे को बचा लेना आप, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।
डोंट वरी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर बड़ी मुश्किल के साथ नेहा की डिलीवरी होती है। जब उसे होश आता है तो अपने पछतावे के साथ वैशाली हाथ जोड़कर नेहा को कहती है, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बेकार हूँ। इतनी घमंडी हूँ कि अपने घमंड में मैंने हमेशा आपको सुनाया, आपके साथ बदतमीजी की है, उसके बाद भी आप ऐसे मुश्किल वक्त पे मुझे बचाकर यहाँ तक लाई। अरे दीदी कोई बात नहीं, जाने दीजिए, मुझे यकीन था एक दिन आप जरूर मीठी जुबान से मुझे अपना लेंगी। अब आपको बिल्कुल भी बेड से उठने की जरूरत नहीं है, आपका सारा ख्याल मैं रखूंगी और अपने भतीजे का भी। अरे माँ देखो तो कमाल हो गया, मेरी बहन मीठी जुबान बोलने लग गई। चलो देर आए दुरुस्त आए। इस तरह घमंडी वैशाली अपने घमंड को छोड़ अपनी काली भाभी का बेहद ख्याल रखती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं।